हेलो, हेलो, कौन? मौलाना अली असगर बोल रहे हैं अली असगर बोल रहा हूँ। अली असगर बोले बोले जी? अली असगर बोल रहा हूँ मैं। जी, मेरी रिकॉर्डिंग करके डाल दिया? कहाँ पे? कहाँ पे? पहली रिकॉर्डिंग करके डाल दिया? नादान मत बना करो। बात तो मेरा चैनल नहीं है, मैं रिकॉर्डिंग फैला देता हूँ। अब वो जो बनावे उसका वो जाने कि तो ताकि पता चले। उससे नतीजा क्या हासिल करना चाहते हो? अच्छा, क्या बात हुई थी आपसे मेरी? आप कौन है? आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? आपका क्या नाम, ताहिर गायबी वाला हाल आपका भी हो गया क्या? आपका नाम क्या बताए ना? देखें, अगर ताहिर अगर गायबी वाला हाल आपका हो गया अगर क्या? अपने आप को मुसलमान कहते हैं ना, तो अखलाक से बात करें, अदब से बात नहीं करें, तहजीब के नहीं दायरे में वही तो बात, पूछ ताकि रहा हूँ। लोग पता चले कि भाई ये इंसान कोई बात कर रहा है, जानवर नहीं। कल से मेरी आपकी बात बराबर हो रही, फिर भी पूछ रहे हो आपका नाम क्या है, आपका नहीं, नाम नाम नहीं कैसे पता आज है तक क्योंकि मुझे? नंबर सेव नहीं किया, पता है सेवा भाई? अपने आप को बहुत ज्यादा मतलब वो अकलमंद ना समझो, जो अपने आप को ज्यादा देखो, अकलमंद समझता है वो एक भी ये हो तो अल्लाह होता की है। रहमत है। देखो, अल्लाह की एक रहमत ये है कि इंसान अपने आप को पागल नहीं समझता, ये भी अल्लाह की रहमत है कि अपने आप को इंसान अकलमंद समझता है। ठीक है, अपने आप को, हाँ, इंसान, अल्लाह ने इंसान को अपने आप अकल को तो शोर दिया है ना सबसे ज्यादा, सुनो, जी। सबसे ज्यादा अगर अपने आप को अकलमंद समझता है, नहीं दूसरों नहीं को नहीं ये गलत बात बेअकल है। समझता है, वो बेवकूफ होता है, अच्छा, वही आपका सबसे आपका ज्यादा। नाम बता, आपका नाम बताए, क्या नाम आपका? कल से बात करते हो शायद नाम मुझे बताओ अपनी क्या, फ़ोन रिकॉर्डिंग काटूं? तुमको पता नाम होगा, बताओ क्या, मैं फ़ोन नाम क्या ही काटूं? बात मुझसे कर रहे हो? नाम क्या है आपका? नाम क्या है आपका? रिकॉर्डिंग नाम वगैरह क्या सब कुछ डलवा दिया, उसमें नाम भी मेरा है? दर्ज कौन करवाया, सा, अभी कौन तक सी मुझे रिकॉर्डिंग, नाम नहीं किस पता मौजू है। पर, किस मौजू पर, क्या नाम मैं से, आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, किस कोई नाम सवाल से? करना पूछें, कोई बात चाहता नहीं, हूँ। लेकिन नाम बता दें, पूछें, कोई बात नहीं। मैं सवाल आपसे करना चाहता ठीक हूँ। है, सवाल करें, लेकिन नाम बता दें, क्या नाम है आपका? मैं मोहम्मद हाशिम रजा हाँ, हूँ। तो फिर देर क्यों करते हैं? बता दें जल्दी, जब बताना ही है आपको, बताएं क्या देखो, सवाल मैं करना कल है। को बताया जाता, कल से बराबर बात करो, तुम्हें पता है ना? तो आप बताएं ना, नाम बताएं, क्या सवाल करना है आपको? कल बात कर रहे थे मौलाना हासिम, मौलाना हासिम, अच्छा मौलाना ठीक है, हासिम, इतना देखो रटे थे, लेकिन फिर भी उनके मौना इतना कमजोर है दिमाग, मौना मेरी बात सुनें, लेकिन नाम दिमाग आप, आपका इतना कमजोर अरे मेरी है? बात सुनो, नंबर थोड़ी या नाम याद रहता है, नाम बता दी, याद आ गया भाई यहाँ फला आदमी है। चलो बताएं क्या सवाल करना है आपको। कल से बराबर कर रहे हो, मतलब है कि क्लिप भी पूरी तैयार करके यूट्यूब पर डाल अरे दूंगी तो नाम, तुम सवाल, यानी क्या सवाल करना है? सात देखो, सौ अब साल के बकबक कर रहे हैं समझ गया आप लोग, बकबक कर मौलाना रहे हैं, आदत क्यों असगर, है? अरे सवाल करेंगे मौलाना आप? अली असगर ने समझ गया, आपका भी वही हाल अरे होगा जो सवाल ताहिर करेंगे गायबी आप साहब को सवाल है। सवाल करेंगे, सवाल करेंगे कि नहीं करेंगे? यही करेंगे, हाँ, ताहिर गायबी साहब को कौन बीमारी हुई थी? वो जाने, उसका अल्लाह वो जाने। जाने, हाँ, क्यों मुझे आप नहीं नहीं पता, जानते हो? नहीं पता मुझे, दूर वो कहाँ रहते हैं, मैं आपने कहाँ रहता हूँ, क्या किसी की बीमारी, यही हमारा तय है, मेरा तहकी करना है हमको। हाँ, इतना देखिए, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, आपके हासिम साहब, अकाबिरों में से नहीं है? हासिम साहब, हासिम साहब, हासिम साहब, जी मेरी बात सुनिए। देखें, हमारे किस अकाबिर को क्या बीमारी हुई थी, ये अगर किताब में कोई बात लिखी हुई है बता दें, मैं बता दूंगा। लेकिन हाँ, इतना पता है, मैंने किताब पढ़ी है, मैंने एक किताब पढ़ी है, उस किताब में बात लिखा हुआ है आपके, आप क्या क्या नाम उसका, आपके आलत के बाप को, आपके आलत बाप को जो एक बीमारी हुई थी, जो हाँ मरने के वक्त वही बीमारी उनको थी, ये मेरे सुनो, पास मेरी बात किताब है। सुनो, सुनो 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 सुनो, देखो सुन लो, सुनो। ये है सब बेवकूफों के बातें, जो पूछा जाए वही बताया जाए, समझ में आया? अच्छा, तो मेरी बात सुनो, ठीक है हाँ, ठीक है, सवाल कुछ मैं है, जवाब कुछ है, यही तो तुम लोगों की आदतें, बेवकूफों की यही आदतें हुआ करती हैं, ठीक अच्छा, जब है? आपने पूछा मुझे, मैंने कह दिया मुझे पता हाँ, नहीं यार, आपके अच्छा नकी ये अली, बता, सुनो ना, एक अच्छा किताब मेरे पास सुनो, है, मेरी बात ये सुनो, अज़मतों के पासबान मेरी बात अल्लामा सुनो, अब्दुल हकीम सरकादरी किताब है, सुनो सुनो ताहिर ना, गयावी उन्होंने वो लिखा तुम्हारे लिए है जो सफ़ा हाल नंबर, है वो जगह कौन सी सुनो ना, उन्होंने लिखा है सफ़ा नंबर 222 के अंदर मेरी बात कि सुनो। हज़रत मौलाना नकी अली ख़ान से शहादत मानवी का मकाम पाया, क्योंकि खूनी ये वो इसहाल बातें के जो हो गई है ख़ारिशे में क्या? उनकी मौत आई, खूनी इसहाल के ख़ारिशे में उनकी मौत आई, ये किताब में लिखा हुआ है, मेरे पास किताब है, तो आपके पास, सुनो ना, हासिम साहब, हासिम साहब, हासिम साहब, पढ़ा सकते हासिम हो साहब, बंदा जी? हासिम साहब, हासिम साहब, अगर आपके पास कोई किताब है और उसमें कोई बात लिखी हुई है तो किताब देख के बताएं ना, इस तरह ज़बानी कर के कोई कोई एतबार नहीं करेगा आपकी बात को भी। सुन लो, मेरी बात सुनो, जी सबसे बड़ा मुनाजिर तुम्हारा मौलाना ताहिर गयावी था, माशाल्लाह माशाल्लाह ठीक माशाल्लाह, है? हम नहीं मुद्दई कहते लाख हैं, पर तुम बारी लोग गवाही कहते हैं, तेरी। मुझे कहते हैं, जी हम लोग तो कुछ नहीं मानते हैं, आपने कुछ ऐलान कर नहीं। दिया है, ऐलान कर दिया आपने। चलो ठीक है, बताएं बताएं बताएं, क्या कहना है, क्या कह रहे हैं आपको उनके मुतालिक, उनका इंतकाल कहाँ हुआ था, मैं पूछना चाहता हूँ किन का आपसे। इंतकाल? घर पे, ताहिर घर पे, गायबी का इंतकाल कहाँ हुआ था? घर पे हुआ था, इतना मुझे पता है, घर पे हुआ था, यार झूठ बिस्तर। बोलते हो, शर्म नहीं आती है? तो एक देखो दो महीने मुफ्ती पहले हासिम जान दिया साहब, कहाँ हुआ है। देखिए, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ उस पर लानत, और आप सच हाँ, नहीं बताएंगे, सच्चाई नहीं बताएंगे, आप पर अल्लाह की लानत, किताब दलील से बताएं सच्चाई।
क्लिप डाल दिया, क्लिप डाल दिया और सुन लो गौर सुने। क्लिप नहीं है तो, क्लिप तो आपकी बनाई हुई होती है, आपकी बनाई हुई होती है, सुनो ना। तो यही तो आप काम करते हो। अच्छा, जो आपने क्लिप डाला है, हासिम साहब, 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 मौलवी हासिम साहब, मौलवी हासिम साहब, आप मौलवी हैं, आप मौलवी हैं, मौलवी हैं, मौलवी हासिम साहब, आप मौलवी हासिम साहब, आपने जो क्लिप भेजी है वो क्लिप देवबंदी ने बनाई या बरेलवी ने बनाई, बताए? आपने जो क्लिप भेजी है वो देवबंदी ने बनाई या बरेलवी ने बनाई है? मैंने जब कल से बात की है, हमारी आपकी बात हुई, तो क्लिप किसने बनाई, देवबंदी ने बनाई थी कि किसी बरेलवी? कौन सी क्लिप जो जो मेरे व्हाट्सएप पर डाला है? देवबंदी ने बनाई होगी, अगर देवबंदी का चैनल है देवबंदी बनाते होंगे, तो ऐसे समझ लो तो सुन्नी का चैनल होगा, सुन्नी बनाते होंगे। हाँ तो सुने, तब आपके बरेलवी बनाए ना, सुने मेरी बात, सुने, हासिम साहब, एक बात खाली, एक मिनट हासिम साहब, मौलवी हासिम साहब, मौलवी हासिम साहब, एक मिनट मौलवी हासिम साहब, एक मिनट, ये आपके पर्सनल मैंने हवाला दिया है, किताब ही हवाला, किताब से दिए, देखें ये आजमतों के पासबान हैं, देखें आप सफ़ा नंबर 222 में लिखा हुआ है कि हज़रत मौलाना नकी अली खान ने क्या उनका मकाम ये पाया कि क्योंकि खूनी इसहाल के खारिशे में उनकी मौत आई है। देखें ये हवाला मैंने, इस तरह किताब से बात करें ना, किताब से बात करेंगे लोगों को एतमाद होगा कि कौन सा फ़िरका हक है और कौन सा फ़िरका बातिल है, इस तरह करके पहले होता है या बातिल पहले होता है, पहले बताइए। हैं, पहले कुरान में पहले हक जहक अलहक वल कुल जा अलहक व जहक अलबातिल, पहले हक आया है बाद में बातिल आया है, यहाँ पे तो इससे पहले देवबंदी वहाबी का नामो निशान नहीं था। हाँ हाँ, कब इससे मतलब काफी दिन पहले, अगर 100 साल पहले देखा जाए तो ये देवबंदी वहाबी का कोई नाम निशान नहीं था। तो क्या बातिल हो गए हो? सुन्नतों वल जमात के अलावा कुछ नहीं था, तो मतलब बातिल हो गए हो, तो सब सारे फिरके बदमज़हब हैं। चलो ठीक है, नबी असल ज़माने में देवबंदी ही नहीं था, इसे देवबंदी बातिल है आपके बकौल, तो बरेल भी था क्या नबी असल ज़माने में? अरे बरेलवी हमारा कोई फिरका थोड़ो है, तो हमारा फिरका थोड़ी है, क्यों हमारा फिरका थोड़ो, हमारी एक पहचान है, तो देवबंदी फिरका है क्या? क्यों, अगर जैसे अगर हमसे कोई पूछे गौस को मानते हो, ख्वाजा को मानते हो, इतने औलिया अल्लाह को मानते हो, अम्बिया को मानते हो, सहाबा को मानते हो, कहाँ तक सवाल करेगा? तो मतलब नहीं हासिम साहब एक बात मतलब आप किसी फिरके से नहीं है क्या? आपका कोई फिरका नहीं है? हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह के मसलक को फॉलो, तो मसलक है, मैं फिरके का पूछ रहा हूँ, आपका कोई फिरका नहीं है? क्यों, मैं इमाम आजम अबू हनीफा ये चार इमाम बरहक, मैं वो नहीं पूछ रहा आपको पूछ रहा हूँ, साफ साफ बताया, आप कोई फिरके से नहीं है? क्यों, फिरका मेरा अहले सुन्नत वल जमात है, यही है। अच्छा, तो बताया आप जो बरेलवी बोल रहे हैं, बरेलवी आपने कहा देवबंदी, सुनो मेरी बात सुने फिर चिल्ला रहे हैं, देखो चिल्लाना अच्छी बात नहीं है, ये मौलवियों का काम नहीं है, हासिम साहब आप मौलवी हैं संजीदा होकर गुफ्तगू करें, इस तरह चिल्लाएंगे लोग आप पर थूकेंगे कि मौलवी होकर के सुनता नहीं है, ना बोलने देता है, सुन देना आपने कहा, अरे सुनो यार मेरी बात सुनो आपने कहा देवबंदी वहाबी अल्लाह के नबी के ज़माने में सहाबा के ज़माने में नहीं था, आपके आला मलफूज में लिखा हुआ है कि वहाबी दौरे फारूकी में मौजूद था, वहाँ भी दौरे फारूकी में मौजूद था, मुनाफिक, वहाँ भी, आपने क्या कहा कि वहाँ भी नहीं था, आपने कहा ना देवबंदी वहाँ भी नबी के ज़माने सहाबा के ज़माने में नहीं था, आपके आला दर्द कह रहे हैं दौरे फारूकी में मौजूद था, तो था ना उस वक़्त वहाँ भी था ना, लेकिन आपका वजूद बताएं, आपका लफ्ज़ बरेलवी के साथ नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में बताएं, आप क्या लफ्ज़ बरेलवी के साथ कोई फ़िरका नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में था, आपके आला हजरत मलफूज में है जो दौरे नबी में था वो हक और बातिल में इम्तियाज़ है, तो बरेलवी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़माने नहीं था वो बातिल है, इसलिए आज वो दावा कर रहा है कि हम अहले सुन्नत हैं, ये आपके फतवा रद्द साबित हो गया। हासिम साहब, तकब्बुर घमंड गुमान रखने वाला अल्लाह के नज़दीक कैसा है? तकब्बुर कौन सा, कौन सी तकब्बुर, तकब्बुर कौन सा? मैं बहुत कुछ हूँ। किसने बोला मैं बहुत कुछ हूँ? अगर कोई कहे तो वो अल्लाह के, मैं गुलाम नबी हूँ, गुलाम सहाबा हूँ, गुलाम अवलिया हूँ, गुलाम अवलिया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह गुलाम हूँ, मैं फला तुज़क्कू अनफुसकुम वहुवा अअलमु बिमन इत्तका,
अपने आप को मुत्तकी परहेजगार मत कहो, तुम में से मुत्तकी परहेजगार कौन है? अल्लाह ही जानता है, अल्लाह ही बेहतर जानता है। ठीक है, हाँ, हम अपने कभी दावा नहीं किए कि हम मुत्तकी परहेजगार हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कभी दावा नहीं किए हम। मेरी बात सुनो, हाँ, अगर 24 घंटे अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में सजदा करने वाले हो, फिर भी आप किसी इंसान से ये नहीं कह सकते हो कि मैं मतलब तुमसे बेहतर हूँ, नहीं कह सकते ना, नहीं कह सकते ना। तो माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं क्या कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए फिर? ये नहीं मतलब कुछ नहीं कह सकते, हाँ ये है कि समझाने के तौर पर कि नमाज नहीं पढ़ते हो तो ये नमाज छोड़ना हराम है ना। ठीक, यहाँ तक हमारे कुछ उलमा ने यहाँ तक कुफर तक बताया गया है। क्या करना किसको? ये नमाज जानबूझकर तो आपके जितने लोग नमाज छोड़ते, जितने लोग आपके नमाज नहीं, सब काफिर है ना सब? क्यों नहीं, माशाल्लाह, आपके इतने लोग काफिर नमाज नहीं पढ़ते, सब काफिर हैं। चलो आपने फतवा, आप मौलवी हैं, फतवा लगा दिए। हमारे उलमा ने तावील किए, इसमें तावील किए, हमारे उलमा ने कहा है कि नमाज न पढ़ने से काफिर नहीं होता, इनकार करने से काफिर होता है, लेकिन आपने कहा जो आपके जो लोग नमाज नहीं पढ़ते काफिर हो गए। चलो ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह, हो गए। हाँ क्या कर रहे हो, बोलो बोलो। मुस्कुरा कर खंदा पेशानी से बात करना मोमिन की शान है, खंदा पेशानी से बात करना मोमिन की शान है, तकब्बुर से बात करना मोमिन की शान नहीं है। मुतकब्बिरीन की शैतान की तरह खक्का मार कर हंसना कहाँ साबित है? शैतान का, शैतान ने कहाँ से ठट्टा मारा? जरा हवाला दो, नहीं जरा हवाला दो, जरा हवाला दो, हवाला दो, शैतान जो ठट्टा मार कर हंसता था, जरा हवाला 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 दे फिर। अरे तुम शैतान और मुसलमान साबित करने जा रहे हो बेगर दलील के, किसी को शैतान मुसलमान साबित करोगे, बेगर दलील साबित करोगे? तुम्हारे पास कोई दलील नहीं है। चलो चलो, मैंने साबित किया तुम्हारा नकी अली खूनी इसहाली की बीमारी, इसहाल की बीमारी में मरा था। अब बताओ, मैंने हवाला दिया, किताबी दिया, तुमने जो हवाला दिया, तुमने लिंक भेजे तुम्हारे चैनल की, तुम्हारे मौलवियों की के चैनल है, तुम्हारा मौलवी का चैनल हमारे नज़दीक मोतबर नहीं है, लेकिन तुम्हारी किताब तुम्हारे नज़दीक मोतबर है, तुम्हारे घर की किताब मैंने साबित किया तुम्हारा नकी अली जो है खूनी इसहाल की बीमारी में मरा था। तुम बहकाते हो, फुसलाते हो, फिर उनको मतलब बात करते हो, अपना मसला पेश करके फिर तुम उन पर बात करते हो, तुम्हारा यही काम है ये, तो जवाब दो ना। असम तो पास बना, अगर मेरी किताब है तो जो लगा दो फतवा उसके ऊपर। तुमने जो अल्लामा हज़रत सैयद ताहिर हुसैन गयाबी रहमतुल्लाह तालिक में इल्ज़ाम दिया है, तुम्हारा कोई किताब से दलील नहीं है। तुमने अपने मौलवियों की लिंक भेजी है, वीडियो भेजी है, और मैंने तुम्हारे घर की किताब भेजी अजमतों के पास बन अब्दुल हकीम सरकादरी, जिसकी तगरीद हुसामुल हरम ने मौजूद है, उसने तस्लीम किया है तुम्हारे मुजद्दद का बाप जो है खूनी सारी बीमारी के में मरा था। किसी दिन हम तो अल्हम्दुलिल्लाह काफिर को मुसलमान बनाते हैं, मुसलमान बनाते हैं, हम काफिर नहीं बनाते। तुम्हारा मुजद्दिद था, मुकफ्फरुल मुस्लिमीन था, तुम्हारा मुजद्दिद मुकफ्फरुल मुस्लिमीन था। सामीन से गुजारिश है इसकी वीडियो बना दें ताकि इनके औकात का पता चले। इल्ज़ाम लगा है थानवी पर, ये हज़रत ताहिर गाबिर रहमतुल्लाह पर, लेकिन कोई दलील नहीं है, दलील दे रहा है अपने घर की वीडियो दे रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने साबित किया है, मैंने साबित किया है कि इसके घर से इसका इसका नकी अली जो है खूनी इसहाली में मरा है, और पाखाना में कौन मरा है दलील दे रहा हूँ मैं पाखाना। सामीन सामीन से गुजारिश है कि इसकी वीडियो बनाएं, इसकी वीडियो बनाएं और वीडियो बना के साबित करें कि हक कौन है, बातिल कौन है। ये बातिल जो हमेशा हमेशा दावा करते हैं लेकिन दलील इनके पास नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो दावा करते हैं हमारे पास दलील भी, अल्हम्दुलिल्लाह देखो मेरे पास किताब एक है कनजुल ईमान, ये कायदे मिल्लत, कनजुल ईमानामा, कनजुल ईमान, कायदे मिल्लत, ये लिखा है कायदे कायदे कौम मिल्लत हज़रत शाह अहमद नूरानी इशात खसूसी, इसमें लिखा है मोहम्मद नईम ताहिर रजवी, उसने सफ़ा नंबर 41 पे लिखा है कि किसके पास मौना, मौना कौन, मौना शाह अहमद नूरानी वाशरूम में ताखिर हुई तो काजी साहब ने दरवाज़ा खटखटाते हुए कहा जल्दी कीजिए। उस पर उन्होंने मौलाना करा को कराते हुए सुना, जब देखा तो उनकी हालत बिगड़ चुकी थी, यानी ये शाह अहमद नूरानी बाथरूम में यानी पाखाना में मरा था। बाथरूम पाखाना को ही बाथरूम कहते हैं, पाखाना को बाथरूम कहते हैं। तुमने हज़रत ताहिर हुसैन गयाबी रहमतुल्लाह अलैह पर इल्ज़ाम लगाया, तुम्हारे पास कोई दलील नहीं, तुमने दलील दिया तुम्हारे घर की वीडियो, तुम्हारे तुम्हारा कौल, तुम्हारी किताब, तुम्हारे वीडियो हमारे नज़दीक मोतबर नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे घर से दे रहा हूँ, तुम्हारे घर से मैं दे रहा हूँ। हासिम साहब, हासिम साहब, हासिम साहब, हासिम साहब, अपने धर्म से तौबा कर लो, तौबा कर लो धर्म से, और ना आपकी मौत ऐसी आएगी। हासिम साहब आपकी मौत ऐसी आएगी, देखें
जिस तरह आपके शाहमद नूरानी और नकी अली की मौत आई है ना, इस तरह आपकी मौत आएगी। इसलिए अल्लाह के नबी अलैहि सलाम फरमान है, जो किसी पर झूठा इल्ज़ाम दे जब तक वो खुद उसी बुराई का मुर्तकिब ना हो जाए उसकी मौत नहीं आएगी। हदीस का मफहूम बता रहा हूँ मैं, हैं तो क्लिप आपकी है कि हमारे घर से है? क्या तो तुम कोई जरूरी हमारे मतलब हमारे घर से क्लिप अगर कोई उलमा दे रहा तुम तो जो कुछ तो सही हो। नहीं नहीं नहीं, आपके घर का उसूल खिलाफ है आप कह रहे हैं। तुम्हारी कैसे सही हो सकती है? नहीं देखो मेरी नहीं, मतलब आपकी दे रहा हूँ मैं, मैं तो आपकी दे रहा हूँ, आपके घर से मैं दे रहा हूँ। हासिम साहब, ये आजमतों के पासवान हमारी किताब है, ये हमारी किताब है। शाह अहमद नूरानी और आपके नकेले के मुताबिक जो मरने के मुताबिक लिखा है वो हमारी किताब है। वो अरे झूठे सब पता है कि कहाँ से कहाँ शुरुआत हुई है, कहाँ से क्या है। मैं पढ़ लो हासिम साहब, आप मौलवी हैं, आप पढ़ लो आप पढ़ लो, मौलवी हैं पढ़ लो आप। ये देखो ये हवाला देखो, आपने अपने घर का हवाला दिया ना, आपका वसूल देखें। हासिम साहब मौलवी, हासिम साहब आप मौलवी हैं, आप जाहिल नहीं हैं, शायद आवाम नहीं है, आप मौलवी हैं, तो मौलवी के मुताबिक बात करें आप। देखें एक मैंने किताब भेजी आपको पर्सनल पे, तहफ़्फ़ुज़ अहले सुन्नत जमात जिल्द अव्वल, इसमें लिखा हुआ सफ़र नंबर 205 में, हमारे लिए सिर्फ वो दलाइल हुज्जत बन सकते हैं जो उन अकाबिरीन अहले सुन्नत जमात के नोके कलम का नतीजा हो जिनसे अहले सुन्नत और जमात का तशख़्ुस कायम हो। ठीक है, ये पहली बात है। और इसी किताब में लिखा हुआ है, अपने घर की दलील देना बेवकूफ़ी है, मुखालिफिन की दलील देना चाहिए। इसी किताब में लिखा हुआ है, मैं दलील दे रहा हूँ। तो आप अपने घर की दलील देकर जो अब मेरे हमारे नतीजे मोतबर नहीं है, आप उसको हक समझ रहे हैं? तो तुमने मेरे पर गालियां वगैरह क्यों डाली? क्या डाला? क्या गालियां वगैरह मेरे व्हाट्सएप पर डाली? गाली क्यों दी? क्या डाला? गालियां वगैरह क्यों दी? गाली किसकी है? ये कल व्हाट्सएप पर मेरे नहीं डाला। जरा गाली सुना दो। मैं कहता हूँ हासिम साहब अल्लाह की कसम कहता हूँ, आज तक हमने माँ बहन की गालियाँ नहीं दी। अगर मैं दिया हूँ मुझ पर अल्लाह की लानत, आज तक मैंने अपनी ज़बान से किसी को माँ बहन की गालियाँ नहीं दी। अल्हम्दुलिल्लाह आपके लोगों ने बहुत कोशिश किया कि मेरी ज़बान से गाली निकालें, बहुत गालियाँ दी मैंने, बहुत गालियाँ सुनी हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अल्लाह की कसम खा कर कहता हूँ, बेवकूफ़ तूने मेरे व्हाट्सएप पर गाली डाली है। वो गाली किसकी है? गाली किसकी है वो? अरे वो मैं क्या जानूँ, तूने मैं तो तुझे वो गाली दोबारा सुनाऊँ मैं आपको? मकसद क्या है दे? हाँ वो ये सुना इसलिए रहा हूँ, वो जिसने गाली सुने हासिम साहब जो गालियाँ है, जो आपको मैंने गालियाँ भेजी है ना, वो आपके जियाई रजाउल मुस्तफ़ा है, उसकी को परेशान करता है बेवकूफ। अरे परेशान आप लोग करते हो, अभी फ़ोन किसने किया है? देखो हासिम साहब जरा सबर, संजीदगी से बात करें। मैंने आपके पर्सनल पे जो हवाला पेश किया है, क्या वो हवाला हमारे घर का है? क्या आप मेरे ऊपर गाली क्यों डाला? गाली में बात कर रहा, मेरे ऊपर गाली क्यों डाला? किसने गाली सुना? सुनाओ जरा मेरे व्हाट्सएप क्या गाली सुनाओ। कौन सी गाली? हाँ बगैर दलील की बात करोगे तुम? बता रहा हूँ, देखो मेरी बात सुनो। आपने एक बात ये कही है कि देवबंदी वहाबी नबी अलैहिस्सलाम ज़माने में नहीं था, इसलिए देवबंदी वहाबी जो है वो हक नहीं है, है ना? तो मैंने आपसे कहा कि आप साबित करें बरेलवी जो है ये नबी अलैहिस्सलाम ज़माने में नहीं था। क्यों? कि आपके आला हज़रत फ़तावा रज़विया में एक किताब को ऐड किया है, किताब का नाम है सिलसिला रसाइल फ़तावा रज़विया जिल्द 28 रिसाला नंबर 1। ठीक है, उसमें लिखा है कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में होता था वही हक व बातिल के दरमियान इम्तियाज़ है। तो आप जो बरेलवी कहते हैं अपने आप को नबी अलैहिस्सलाम ज़माने में नहीं थे, तो आज बरेलवी कह रहे हैं तो बातिल हैं आप, क्योंकि आपके मुजद्दिद कह रहे हैं आप बातिल हैं क्योंकि बरेलवी नबी ज़माने में नहीं था, आप बातिल हैं। हम देवबंदी हक पर हैं। आपने कहा कि क्योंकि देवबंदी ये नहीं कहता। सर सुनो यार, देवबंदी कोई अलग फ़िरका नहीं है, देवबंदी अहले सुन्नत जमात में से है, जो आपके घर की गवाही है, आपके घर की गवाही है, देवबंदी अहले सुन्नत जमात में से है। आपके नसीरुद्दीन साल भी कह रहे हैं कि पीर मिहर साहब किसी देवबंदी को काफिर नहीं कहा है, देवबंदी वहाबी को, वो सबको मुसलमान समझते थे। ठीक है, मेरी बात सुनना। हाँ बोलो, तो मेरी भी सुनोगे ना मेरे ऊपर जो गाली तूने डाली है? हाँ
गाली किस लिए डाली है, मतलब किसने दिया है, क्यों मेरे व्हाट्सएप पर डाली है? बात तेरी मेरी हो रही थी तो हाँ, गाली क्यों डाली? हाँ जवाब दूँ? हाँ गाली क्यों डाली? अरे सुनो यार जवाब दूँ। तुमने मुझे बेवकूफ कहा, जाहिल कहा है ना, तो उसी को मैंने अरे फिर बोल रहा बीच में, फिर बीच में बोल रहा। तुमने मुझे क्या कहा, बेवकूफ और जाहिल, ये क्या लिखा है तुमने? तुमने तुम सब के सब गुमराह हो है ना, ये लिखे तुमने। और तुम्हारी हिम्मत, तुमने लिखा तुम गुमराह हो, बेवकूफ़ हो, लिखा है तुम बेवकूफ़ हो, तुम जाहिल हो, ये सब तुमने लिखा है। तो उसी को टेक करके सुनो यार, उसी को टेक करके मैंने नजमू की वॉइस भेजी। नजमू ने गालियाँ दी, उसने कहा मैं नजमू कह रहा है वो जाहिल है, नजमू कह रहा है कि वो ये आलिम नहीं है, मुफ्ती नहीं है, नजमू कह रहा है। तुम्हारा रजाउल मुस्तफ़ा ज़ियाउल, क्या नाम उसका, ज़ियाई, वो खुद माँ बहन गालियाँ दी है तुम्हारी उस तहरीर को, जो मुझे तुमने गालियाँ दी है उसी को टेक करके मैं भेजता हूँ। मैं कभी गाली नहीं देता हूँ। हाँ मैं कुछ कहा मुझसे इससे कोई मतलब नहीं। हाँ हमारी मुझे बात हो रही थी तो तुमने गाली मेरे ऊपर सेंड क्यों किया? जवाब तो दे रहा हूँ मैं, सुनो ना। तुम्हारी नीयत क्या थी बे? हाँ नीयत ये थी मेरी कि तुमने जाहिल कहा, बेवकूफ़ कहा, गुमराह कहा, तो उसी को मैंने टेक करके तुम्हारे मौलवियों की गाली भेजी कि देखो तुम्हारा मौलवी क्या कलमा पढ़ रहा है तुम्हारे मुजद्दिद का। मुझे बताकर डाला है? अबे तू अपनी जानिब से डाला है ना तुम। तो देख काम कर, एक काम कर हासिम साहब, हासिम साहब एक काम करो, फिर सुन नहीं रहा है, मेरी सुनता नहीं है। एक काम करो, वो गाली जिसकी है तुम कहो कि जिसकी गाली है उस पर अल्लाह की लानत, बोलो क्या जिसकी वो गालियां हैं उस पर अल्लाह की लानत, बोल दो आमीन बोलो। ये गाली मेरे ऊपर क्यों गाली है तुमने? अगर मेरी गाली है मुझ पर लानत, मेरी नहीं है जिसकी उस पर लानत, आमीन बोलो। लानत भेजो तुम्हारा, इसलिए भेजा हूँ कि तुम्हारे मौलवी मुनाजिर किसका कलमा पढ़ते हो। हाँ कोई तुम 1,00,000 गाली देता हूँ उससे क्या मतलब है? तो भाई मतलब है ना, क्यों पूछते हो? अब मतलब अगर नहीं क्यों पूछते हो, फिर पूछते क्यों हो? मतलब नहीं है तो मैं जानता हूँ तुम्हारा काम क्या है, तुम जब तक गाली देते हो तब तक रिकॉर्ड बंद कर लेते होंगे, और जब सुनने कोई जब गाली देना शुरू कर देता होगा, जब वैसे कोई उल्टे सीधे आदमी से बात करते होंगे जब गाली शुरू कर देते हैं। चलो मतलब तुम्हारे लोग गाली देते, सुनने ही बोल रहे हो गालीबाज भी बोल रहे हो, यानी सुन्नी जो है तुम्हारे नज़दीक सुन्नी गालीबाज होता है, हमारे ना सुन्नी गालीबाज नहीं होता, जो गाली देने वाला होता है वो बातिल होता है, अभी सब बेवकूफ गुमराह होता है। हैं हाँ डालते चलो चलो, मैंने जो तुम्हें दो किताब भेजी है कंजुल ईमान, अरे महानामा कंजुल ईमान और अजमतों के पासबान, दो किताब मैंने भेजी है, किताब किसकी बता दो, किताब किसकी है? ये किताब किसकी है? मेरी बात सुनो, मैं बात क्या करूं? तुम मेरी, मैं किताब भेजा, तुम अपनी किताब नहीं मान रहे हो, अपने अकाबिर को नहीं मानते हो, तुम लात मार रहे हो अपने अकाबिर को, क्यों लात मारते हो? अपनी किताब क्यों नहीं सुनते हो तुम? तुम लोग अपनी किताब क्यों नहीं मानते? हमारे पास किताब भेजो, हम किताब देखेंगे, उसको पढ़ेंगे, समझाएंगे, लेकिन तुम अपनी किताब नहीं मानते हो। अपनी किताब का नाम सुन के तुम्हारा पसीना क्यों छूटता है? हैं तो क्या पैजामा गीला हो गया? मैं पूछ रहा हूँ क्या, किसे? अहमद हसन। ये कौन है? नहीं जानते हो? नहीं जान हो गया? ऐसे नाम के किसी शख्स से मेरी गुफ्तगू हुई नहीं। मासूम बन जाते हो, कुछ जानते ही नहीं। अहमद हसन कौन है यार? मैं तो अभी तक किसी ऐसे अहमद हसन एक शिया है, शिया राबजी है वो। तुम हो असगर अली? हाँ तुम्हारी अहमद हसन ने तुम्हारी बहुत बड़ी धुलाई की है। जरा वीडियो भेजो, अगर अहमद हसन नहीं हुआ तो दो, मेरी बात सुनो, आज तक किसी सुनो यार हैं? अहमद हसन से बात हुई कि नहीं हुई? कौन अहमद, कहाँ, किसका, पता ना किस फिरके का है वो? अहमद हसन से बात तुम्हारी किस फिरके का है, किस फिरके का है? मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ? नहीं फिरका, किस फिरके का है वो, किस फिरके का है वो? अमरोहा का है। हैं अमरोहा? किस फिरके का है वो? अमरोहा, मैं बता तो रहा हूँ, अमरोहा फिरका, अमरोहा फिरके का नाम है अहमद हसन। अहमद हसन फिरके का नाम है? चलो उनका चलो छोड़ो, मैं नूर हसन से बात हुई है? हाँ ये नाम बोलो, नूर हसन की जो कुटाई मैंने की है ना आज तक, मेरी बात करा चल आगे, कोई बात नहीं कर, चल बात करा। तेरी जो कुटाई अभी हो रही है, तेरे अकाबिर को तूने जो साबित किया पखाना में मरा है, और ये उसको खूनी इसहाल बीमारी में मरा है वो, बेवकूफों की ड्यूटी मैंने सीधी की है। तुम वही करोगे, तुम बेवकूफ लोगों की सीधी करोगे,
अवलिया की बुजुर्गान दीन के जो जूते हैं सिद्ध करने, तो फिर तुम्हें नहीं मिलेगी। कह रहा है बेवकूफों की जूते सिद्ध किया इसने। ये मौलवी है, ये कह रहा है कि मैंने बेवकूफों की जूते सिद्ध की है। हम तो अल्लाह वाले की जूते सिद्ध करते हैं, हम तो अल्लाह वाले की जूते सिद्ध करते हैं, हम तो अल्लाह वालों की जूतियाँ सिद्ध, तुम बेवकूफों की जूते सिद्ध करोगे। तुम अरे कितना कितना जलील हुआ है तू, तू कितना जलील हुआ है, कितना जलील हुआ है तू। मुझे पता है, मजार पर बोल रहा है बेवकूफों की जूते सीख रहे। कितना जलील हुआ है तू। मौलाना फारूक रजवी साहब का नेट देखी है, उसकी कुटी कुटाई मैंने जो किया ना, जो मैंने कुटाई की है ना, नेट पर जो दिखा रहे हैं नजरों के सामने, जब इंसान देखता है अपनी आंखों से देखता है, वो भी बात गलत है क्या। जूतियाँ सीधी करी तुमने बेवकूफों की, और बेवकूफ हमारे नजदीक अलकैस मंदान नफ्सहु मा अमिला बादल मौत, अकलमंद वो है जो दीनदार हो अपने मरने के बाद की तैयारी करे, वो अकलमंद है। और बेवकूफ़ वो है जो आखिरत से गाफिल हो, और तुम गाफिलों की जूतियाँ सीधी करते हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो अपने बुजुर्गान दिन की जूतियाँ सीधी करते हैं। कह रहे थे कि दोबंदी वहाबियों ने मुझसे अपनी जूती सीधी करवाया तकरीबन 15 साल तक। तुमने कहा कि मैं जूती सीधी करता हूँ, बेवकूफ़ों की तुमने कहा है। चलो चलो चलो, मैंने जो हवाला दिया है ये हवाला गलत है। वही कह रहा हूँ ना, नहीं मैंने जो हवाला दिया हवाला गलत है, कि दोबंदी मैंने जो हवाला दिया हवाला गलत है। मैंने हवाला दिया है, तुम्हारी घर किताब है, एक है अजमतों के पासबान, तुमने हज़रत सैयद अल्लामा ताहिर हुसैन गयाबी रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक इल्ज़ाम दिया, बातिल झूठा इल्ज़ाम तुमने लगाया है। तुम्हारे पास कोई दलील नहीं है। तुमने क्या भेजी है, तुम्हारे घर की वीडियो, तुम्हारे घर के चैनल की वीडियो तुमने भेजी है, तुम्हारे मौलवी गुफ्तगू है, जो हमारे नज़दीक काबिल एतबार नहीं है, मरदूद है। लेकिन मैंने तुम्हारे तुम्हारे घर साबित किया ये अजमतों के पासबान तसनीफ़ अल्लामा मोहम्मद अब्दुल हकीम सर कादरी की है, उसने लिखा है सफ़ा नंबर 2323 के अंदर कि हज़रत मौलाना नकी अली खान ने शहादत मानवी का मकाम पाया, क्योंकि खून इसहाल के खारिशे में बरोज़ जुमेरात बवक्त ज़ुहर माह ज़िलक़ादा के आखिर 129 हिजरी 1880 में आपका विसाल हुआ, यानी इसी हालत में उसकी मौत आई। दूसरा हवाला मैंने दिया ये कनज़ुल ईमान, महानामा कनज़ुल ईमान सहमद नूरानी मोहम्मद नईम ताहिर कादर रज़वी सफ़ा नंबर 81 लिखता है, रूम में ताखिर हुई तो काजी साहब ने दरवाज़ा खटखटाते हुए कहा जल्दी कीजिए। उस पर उन्होंने मौलाना को कराते हुए सुना, जब देखा तो उसकी हालत बिगड़ चुकी थी। तो बताएं, ये जो किताब मैंने भेजी है ये किताब देवबंदी की है। सामने ये बोल रहा है कि ये देवबंदी की किताब है, ये तुमने लिख दिया है। जब इनकी घर की में हम पेश करते हैं तो देवबंदी बना देते हैं उसको, और ये जब कोई दावा करते हैं कोई दलील नहीं होती इनके पास। और ये कि वीडियो भेजी है, इसने कहा कोई भी भेजे कोई भी बनावे, वीडियो में तो है ना। लेकिन तुम्हारे घर के मौलवी तुम्हारे तुम लोग झूठे कज़ाब दज्जाल हो, तुम्हारे बात का एतबार कैसे करें हैं। कोई मोमिन मुसलमान हो तुम सब एतबार करें। तो तुम्हारा वसूल ये है कि तहफ़ सुन्नत जमात में लिख रहा है कि अपने घर की दलील देना बेवकूफ़ी है और शिकस्त फास की दलील है। होना तो चाहिए था कि मुखालिफ की किताब से दलील पेश करे। अपने घर की दलील देना ये बेवकूफ़ी, ये आजिज़ नाकाम और शिकस्त फास की दलील है। तुम्हारा घर का मौलवी उसूल बना रहा है, ना तुम अपने मौलवी को मानते हो, ना अपने किताबों को मानते हो, ना तुम्हारा अकीदा तुम्हारे बड़ों के साथ है, तुम्हारे अंदर तजाद है, इसीलिए तुम जो है तुम गुमराह काफिर निफाक। तुम्हारा ज़ेरो ज़बर किताब है, तुम्हारी अरशदुल क़ादरी किताब है, वो लिखता है जिस मसलक धर्म मजहब में एक अहम बात पर इख्तलाफ़ हो वो मसलक इस्लाम वाला तो नहीं, निफाक वाला तो हो सकता है लेकिन इस्लाम वाला धर्म नहीं हो सकता, निफाक वाला धर्म कौन कह रहा है, अरशदुल क़ादरी कह रहा है। तो तुम अपने बड़ों की मुखालफत क्यों करते हो तुम, हैं। तुम्हारी किताब मैंने भेजी तुम मानते नहीं हो, और तुम दावा करते हो दलील देते नहीं हो हमारे घर से, अपने घर ही वीडियो भेजते हो, तुमको शर्म आनी चाहिए, हैं, तुमको शर्म आनी चाहिए, तुमको इतने जलील होते हो तुम। तुम्हें कुछ पता नहीं है कि जब गुफ्तगू की जाती है, जब दावा कोई करता है तो दलील कहाँ से देनी चाहिए और दलील कैसे होनी चाहिए। तुम्हारा दावा होता है कुछ,
तुम्हारे पास दलील नहीं होती है, तुम इतने जलील होते हो, तुम्हारे घर से मैंने दलील पेश करके तुम्हारे नकी अली को और तुम्हारा किसको शाम नूरानी को पाखाना में मरने वाला साबित किया, खूनी इसहाल की बीमारी मरने वाला साबित किया दलील के साथ। लेकिन तुम लोग आज तक बरसों से दावा करते हो कि हमारे थाने वीर मुतालिक को कहाँ मरे, आज तक तुम दलील दे नहीं पाए हो। फिर वही 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 जब तुम वहाँ शिकस्त खा चुके, लात खा चुके, तुम्हारा चेहरा काला हो चुका हज़रत थाने वीर इल्ज़ाम लगा करके, फिर आज तुम यहाँ पे आया हो कि हज़रत ताहिर हुसैन गियावी रहमतुल्लाह अलैह कहाँ इंतकाल हुए, इल्ज़ाम लगा, तुम्हारे पास कोई दलील नहीं है। तुम इसी तुम अल्लाह तबारक व तआला ने, हम ऐसे ही कहते हैं, अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया रुसवा होने के लिए, जलील होने के लिए, और अहले सुन्नत अहले हक उलमाए देवबंद पर गलत और बातिल झूठा इल्ज़ाम लगाकर अपने पेट भरने रोटी सेकने के लिए तुम पैदा हुए हो, बाकी तुम्हारे पास कोई दलील नहीं है, तुम मरदूद हो, तुम लोग कोई दलील नहीं तुम्हारे पास, तुम्हारे पास कोई दलील नहीं है, तुम इसलिए मरते हो। तुम लोग सामीन देखें, इसके पास कोई जवाब नहीं है। मैंने जो हवाला दिया उसको पढ़कर सुन, ना पढ़ रहा है ना कुछ कर रहा है, ये बोल रहा है कि देवबंदी किताब लिखे लिख आते हो, ये अपने घर से दलील दे रहा है वीडियो दे रहा है वीडियो, और कह रहा है इल्ज़ाम लगा रहा है हमारे ऊपर कि तुम देखो तुम्हारे मुतालिक ये है, लेकिन तुम्हारी बात हमारे मुतबर नहीं। और हमने दो हवाला पेश किया बातिल फिरके के हाशिम रज़ा खानी को, हाशिम रज़ा खानी की जो है सट्टी पट्टी गम हो चुकी है, इसकी हालत ख़राब हो चुकी है, इस पर मौत तारी हो चुकी है, इस पर इसके फिरके बातिल के तमाम बड़े अकाबिर की मनोह शुरू सवार हो चुकी है, लेकिन इस बातिल में हिम्मत नहीं है कि अपने घर के किताब का जवाब दे मुझे। मैंने किताब भेजा है, इबारत पढ़ दी है, लेकिन तुम्हारे में दम क्यों नहीं है, तुम्हारे में खम क्यों नहीं है, तुम्हारे में हिम्मत क्यों नहीं है, तुम्हारी हिम्मत पस्त क्यों हो चुकी है, तुम ज़रूर ख़ार क्यों हो चुके हो, तुमने जवाब देने से तुमने मुंह क्यों चुराया, तुमने मुंह क्यों छुपाया, जवाब दे। दो किताब मैंने भेजी, जवाब दे उसका, जवाब दे कि नहीं, अरे जवाब दे, पानी पी लो, पानी जवाब दे, पानी पी लो। सामीन देखें, मैंने दो किताब भेजी इसके घर की, देखे अभी तक जवाब नहीं दे रहा है, ये अपने घर की किताब से मुंह छुपाते हैं। तुम्हारी किताब ने तुम्हारे चेहरे को काला किया है, तुम्हारे मनहूस चेहरे को काला किया है, तुम्हारे बातिल अकीदे का पर्दा फाश किया है, तुम्हारे बातिल अकीदे पर वार किया है तुम्हारी किताबों ने, तुम्हारे मौलवियों ने, लेकिन तुम्हारी हिम्मत नहीं होती मर्दूदों कि हम पर इल्ज़ाम आयद करके हम पर दलील से बात करो। लेकिन हमने दलील दिया, जब तुम्हारी हालत ख़राब हो चुकी है, मुँह छुपाने पर मजबूर हो गए, तुम अपने मुजद्दिद के जहन्नम वाले बिर पे घुसने पर मजबूर हो गए, लेकिन तुम्हारी हिम्मत नहीं है। तुम्हारे फ़िरक़े ने कोई ऐसा जन्म नहीं लिया आज तक कि तुम्हें तसल्ली देकर कहे कि बेटा जवाब दे। सब मर चुके हैं, सब बिल में घुस चुके हैं, सबकी सांस अटक चुकी है, किसी बातिल फिरके में दम नहीं है कि सराय तकर दो दो मिनट बात करें। तुम्हारी हिम्मत पस्त हो चुकी है, तुम घुटने टेक दिए हो, तुम्हारे में हिम्मत नहीं है, तुम्हारा खून पानी हो चुका है, तुम्हारे हड्डी में पानी भरा हुआ है, तुम्हारे में दम नहीं है, खम नहीं है कि हमारे दरार के जवाब दे सको। मर जाओगे, घुट घुट कर मरोगे, अरकाबिर सुन पर इल्ज़ाम लगाकर भूतान तराशी करके मर सकते हो, कुफरिया हालत में, शिरकी हालत में, बातिल अकीदे में गुमराह होकर जहन्नम का रास्ता इख्तियार तो कर सकते हो, लेकिन अब तुम्हारी किताब से हम तो तुम्हारा चेहरा काला करते हैं, तुम्हारा थोबड़ा जो हम एकदम पूरा चपटा करते हैं, तुम अपने थोबड़े को दिखा नहीं सकते, तुम अपने कौम में रुसवा हो चुके हो, तुम्हारी हिम्मत नहीं, तुम दलील दे दलील अब मैं तुमसे तुमको दलील दे देते हैं हम लोग, हम दलील का जवाब देना तुम्हारी बस में नहीं है, तुम्हारी औकात में नहीं है, तुम्हारी सलाहियत नहीं है, तुम सिर्फ भोकने के लिए पैदा हुए हो। कसम अल्लाह की कहता हूँ, हम जो दलील देते हैं तुम्हारे घर से, तुम उसको अगर पढ़ लो, उस पर अगर तुम सही मान लो, तो तुम धर्म अपना बातिल धर्म छोड़ने पर मजबूर हो जाओ, लेकिन तुम जो है गुमराहियत पर, कुफरिया धर्म पर, शिरकिया धर्म पर, शिरकिया अकीदे पर मरने के लिए तैयार हो चुके हो, लेकिन तुम कभी इस पर तैयार नहीं हो कि तुम इस्लाम पर मरो, ईमान पर मरो, तौहीद पर मरो, जन्नत के रास्ते पर मरो, अल्लाह उसके रसूल को राज़ी करके मरो, ये तो आखिरत पर यकीन करते हुए मरो, आखिरत की कामयाबी की नीयत से मरो। तुम्हारी औकात नहीं है, तुमसे अल्लाह ने सल्ब कर चुका है, अल्लाह ने सल्ब कर लिया है तुम्हारा ठिकाना जो है। बस मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तुम्हें हिदायत दे, अपने कम से कम हमारी नहीं अपने मौलवियों की किताब को मान कर ज़िंदगी गुजारने वाले बन जाओ, लेकिन तुम वो भी नहीं हो। अपने तो अपनी मौलवी तुम किताब मान कर तौबा कर लो ना। कौन सी किताब है? कौन सी? नबी के शहर में गुस्ताखियां लिखी। जरा पेश कर दो हवाला। क्या हवाला पेश करो? क्या शर्म नहीं आती? देखो सामने हवाला नहीं पेश कर रहा, देखो गालियां दे रहा है, देखो हवाला पेश नहीं कर रहा है। हम दलील का मुतालबा करते हैं, बातिल में हिम्मत नहीं है कि दलील देकर हमारी गुस्ताखी साबित करे। हम पर एतराज़ किया, उसी एतराज़ को मैंने ये बुनिया मौजू बना करके उसके घर से साबित किया कि तेरा मुजद्दिद का बाप किस हालत में मरा है, तेरा हमें शाह नूरानी किस हालत में पैखाना मरा है,
सामिन, हम हवाला देकर उनके एतराज़ का मुँह तोड़ जवाब देते हैं, कमर तोड़ पलंग तोड़ जवाब देते हैं, लेकिन बातिल में हिम्मत नहीं है कि अपनी किताब को पढ़ सके, ना वो जो दावा करते हैं वो उस पर दलील दे सके, हिम्मत नहीं है। देखें देखें फिर सुनना सामिन, देखो मेरी बात कहाँ सुनी है, अब मैं दलील दे दलील काट कर भाग गया, फोन मत कर, फोन मत काटना, फोन मत काटना, तुम दलील दो, दलील दो, दलील दो, दलील दो, भागा भागा सामिन, देखो भागा 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 भागा। कौन सी जिसे दलीलें सब बता रहे, सब हक, सब हक दे रहे हो जो मैंने दिया अभी, तो ये बातिल है। इसी तरह लोगों को फंसाते, लोग तो समझते यार कितना बड़ा मौलाना। नहीं तुम बोलो ना कि हक है बातिल है, ये जो मैंने किताब दिया है ये हक वाले का है बातिल वाले का है। इतनी बड़ी मौलाना अली, ए, अली असगर, नाम क्या है, अली असगर जी। अरे वाह, नाम इतना प्यारा रख लिया है तो कम से कम अकीदा भी प्यारा कर। नहीं आपने कहा जो मैंने हवाला दिया है ये हक वाले का है, ये हक है। तौबा, चलो कोई बात नहीं, कुछ नहीं कहूँगा, तौबा कर लेना। किस पर तौबा कर लेना? तब तौबा किस पर करूँ मैं? दो बंदी बहादियत से। क्यों, हो जा हो जा, तौबा कर लेना ना। हो जा क्या बताओ ना, आदमी तौबा करता है गुस्ताखी से, कुफ्र से, गुनाह से, तो मैं तौबा किससे करूं? दोबंदी बहादी बदमत। हाँ, हाँ? उससे तौबा कर लो। क्यों बदमत, क्या है, क्या निशानी है हमारी? उनसे अलग हो जाओ। क्यों वजह क्या बताओ ना, वजह क्या है? अलग हो जाओ ना। क्यों वजह बताओ ना, मैं तुमको कहता हूँ तुम अपने धर्म को छोड़ दो, वजह बताओ, मैं तुम बताऊँ तुमको, मैं वजह क्या है? अरे मैं जानता हूँ बहुत अच्छी तरह। छोड़, अगर जानते हो छोड़ दो ना अपने धर्म को, क्यों पकड़े हुए हो? जानता हूँ कि किस तरह लोगों को मतलब घुमा फिरा कर बात करते हो और अपना अल्लामा अपने आप को यूट्यूब पर कहलाते हो। ठीक है चलो, अगर मैं घुमा फिरा कर बात करता हूँ, किताब आपके सामने आईना रख दिया हूँ, देख लो चेहरा, देख लो अपना। मौलाना अली असगर, बड़ा स्टेटस पर बड़ा बड़ा नाम लिखा था, मौलाना अली असगर, और उसमें मुनाजिरे अहले सुन्नत, क्या बात करते हो। मैं तो कभी मौलाना लिखता नहीं अपने साथ नाम, ना मैं कहता हूँ मुनाजिरे अहले सुन्नत मौलाना अली असगर देवबंदी, मैं कभी अपने नाम के मौलाना लिखा ही नहीं हूँ मैं। आओ भी नहीं हैं, आओ भी नहीं, जो तुम गुमान करो तुम्हारी मर्जी मुताबिक। सिर्फ इल्म वाला, सिर्फ इल्म ही से जन्नत चले जाओगे? किसने कहा हैं? किसने कहा? मैं पूछ रहा हूँ। नहीं किसने कहा बताओ ना, मैं पूछ रहा हूँ। इल्म से अमल साथ साथ में होना चाहिए, अमल हैं? अमल साथ में होना चाहिए। अच्छा, और इखलास होना चाहिए, सुन्नत नबी होनी चाहिए। सिर्फ अल्लाह ही की आता, अल्लाह ही की तारीफ से नहीं जन्नत चले जाओगे? अरे भाई उधर क्यों जा रहे हो, तुमने बताओ मैंने किताब भेजी है तुम्हारी है कि नहीं? बस करो, जानता हूँ तुम यार उल्टे से छोटे छोटे लोगों को फंसा ले, तो इसी तरह फोन कर करके। तुम छोटे हो, तुम मौलवी हो, छोटे हो तुम, तो तुम्हारा बड़ा कौन है, तुम्हारा कौन बड़ा है? अगर तुम मौलवियों का छोटे हो तुम्हारे यहाँ बड़ा कौन है फिर? जब मौलवी, जब सुन्नी कोई जब कहता है तो कहते हो दो बंदियों को टेंग ही नहीं है जिनसे बहस करे, लड़ाई करे। वाह क्या क्या, अरे बकवास कर रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ मैंने जो किताब भेजी है तुम्हारी है क्या हमारी है? तुम्हारी क्या हमारी है? मक्का मदीना, चलो बरेली नापाक जगह है, नापाक जगह मक्का मदीना पाक जगह है। बरेली शरीफ जो जगह है, बरेली जो जगह है तो नापाक है? हाँ नापाक है वो। कितनी नापाक? देखो मेरी बात सुनो, एक आदमी किसी को बुला रहा है बरेली की तरफ और एक आदमी किसी को बुला रहा है मक्का मदीने की तरफ, दोनों में हक कौन है बताओ? क्या एक आदमी किसी को बुला रहा है बरेली की तरफ और एक आदमी बुला रहा है मक्का मदीने की तरफ, दोनों में हक कौन है? देखो जगह दोनों अच्छी है लेकिन इसमें सबसे बेहतर अगर देखा जाएगा मक्का शरीफ, तो वहाँ जाना चाहिए ना, किसी को बुला तो वहाँ बुलाना चाहिए ना, मक्का मदीना जहाँ हज होती हो, जहाँ उमरा होती है, जहाँ तवाफ है, जहाँ हजरे अस्वद है, जहाँ मकाम इब्राहिम है, जहाँ जमजम है, जहाँ जन्नतुल बकी है, जन्नतुल माला है, अरे क्या क्या है, अल्लाह ने क्या क्या नेमतें वहाँ रखी है, वहाँ बुलाना चाहिए। तुम वहाँ बुला रहे हो जहाँ कुफ्र है, जहाँ शिर्क है, जहाँ बिदअत है, जहाँ खुराफात है, जहाँ बेदीनी है, जहाँ बददीनी है, जहाँ बुग्ज है, जहाँ हसद है, जहाँ कीना है, जहाँ कपट है, जहाँ मुकफ्फरुल मुस्लिमीन है, जहाँ अल्लाह का गुस्ताख है, नबी का गुस्ताख है, जहाँ है तुम वहाँ बुला रहे हो। हम बुला रहे हैं मदीने की तरफ, मक्का की तरफ, जहाँ रहमतें ही रहमतें हैं, जहाँ अल्लाह का लाडला नबी है मदीने में, रौज़े अक़दस है, जहाँ मक्का मुकर्रमा है, मक्का मुकर्रमा बुला रहा हूँ, वहाँ एक नमाज का एक लाख सवाब है, वहाँ जमजम है, वहाँ तवाफ़ है, वहाँ सफा व मरवा है, वहाँ मीना है, वहाँ अराफात है, मकाम इब्राहिम है, हजर अस्वद है, वहाँ क्या क्या है, अल्लाह ने क्या क्या नेमतें रखी है बताओ।
है? भागते हैं? कसा मरुआ, हाँ कसा मरुआ, हाँ यही है। बहुत कुछ अल्लाह ने नियमित रखे वहाँ पे, तुम वहाँ क्यों नहीं बुलाते हो? तुम वहाँ से नफरत क्यों करते हो? मक्का मदीने से क्यों नफरत करते हो? सुनो तो, सफा मरुआ बताते, मरुआ मरुआ, ध्यान दीजिए। हाँ ठीक है, अब बोलने की भी सलाहियत सीखो और कैसे आमने सामने वाले से बात की जाए, पहले तहजीब और तरीका हासिल करो। हाँ 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 बताए तो, मतलब उर्दू पढ़ूँ? उर्दू पढ़ूँ मैं? हो सकता है, क्या उर्दू पढ़ोगे? ये किताब है मेरे पास, कनजुल ईमान, महानामा कनजुल ईमान, उसमें लिखा है कि तुम्हारा जो ये क्या है, शाह अहमद नूरानी बाथरूम में मरा था, पाखाना में मरा था वो, तो ये हवाला गलत है? अब मेरी बात सुनो। हाँ कि ना बोलो, हाँ कि ना, हाँ कि ना। किताब तो मेरी एक, तुम्हारे बता किताब किसकी है? मेरी बात सुनो यार, मेरी बात सुनो। हाँ यही, इसी में सिर्फ जीते हो बस, बोलो। इसी में जीते हो, बोलो, इसी में जीते हो। अब बोलेगा नहीं तो मैं किताब पर सुनाओ, मैं बोल रहा हूँ बोलो, एक ही रट रहा है। हाँ इसी में जीते हो। किसमें? इसी में, जो सब ये सब बक रहे हो। अरे हम बातिल को का पर्दा फास करते हैं, पोल पट्टी खोलते हैं हम, यही तो पूछ रहा हूँ, पूछ रहा हूँ ना, इसी में जीते हो। हम अपने अकाबिर का दिफा करते हैं, हमारे अकाबिर तो दुश्मन है, बागी है, हम जो मुकफर मुस्लिम है उसको नंगा करते हैं हम। मैं क्या कह रहा हूँ, इसी में जीते हो। अल्लाह तबारक व तआला ने जीने के लिए इस्लाम दिया है, दीन दिया है, नबी की मोहब्बत दी, इसके रसूल दिया है। जीत का मतलब, मैं जीत बोला मतलब तुम जीत गए हो कि हार गए हो, क्या बात? हमारी फतह हुई, रमजान फतह हमारी हुई, तुम तो बातिल हो, जवाब दे नहीं पा रहे हो। अरे बस करो, तुम्हारी कितने, देखो देखो, हासिम साहब, हासिम साहब, हासिम साहब, मौलवी हासिम साहब, मौलवी हासिम साहब, देखें देखें। हाँ हाँ सुनो मेरी बात, जैसे घर कहाँ है आपका? अरे फिर बीजों भाग रहे हो, मैं बोल रहा हूँ हासिम साहब, हमारे घर, हमारे घर में, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मैं किताब दिया हूँ आपको, आपके घर से आप अपने मौलवी को क्यों नहीं मानते, अपनी किताब क्यों नहीं मानते? अगर क्या बिरल भी नहीं हो आप? आप बिरल भी नहीं हो? मेरी बात सुनो, आप बिरल भी नहीं हो? मेरी बात सुनो, आप बिरल भी नहीं हो? अल्हम्दुलिल्लाह। तब बिरल भी हो तो अपनी किताब क्यों नहीं मानते हो तुम? अपनी किताब क्यों नहीं मानते हो तुम? मेरी बात सुनो, अपनी किताब क्यों नहीं मानते हो बताओ मुझे, पहले 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 जवाब दो इसका, अपनी किताब क्यों नहीं मानते हो? अपनी किताब क्यों नहीं मानते बताओ? अपनी किताब क्यों नहीं मानते हो? अपनी किताब क्यों नहीं मानते हो? अपनी किताब क्यों नहीं मानते हो? बोलते रहेंगे। तो फिर क्या क्या बोला तुमने, क्या बोला आज से, आज से क्या बोला तुमने, तुमने क्या क्या बोला आज से, क्या क्या बोल रहे हो आज से, क्या आज के बाद मेरा नंबर, हाँ ना तो लगाएगा ना मेरे व्हाट्सएप को? तो अभी अभी किसने फ़ोन किया मुझे, कितने मतलब किसने फ़ोन किया, तीन चार फ़ोन तुमने किया मेरे ऊपर गाली, कल मेरे ऊपर डाल के था फोन, क्या फोन स्विच ऑफ कर लिया था कल? हाँ तो मैं करूँगा ना भाई, मेरा सोने का टाइम में करूँगा ना मैं, तुम्हारे थोड़ी फ़ोन चालू रखूँ मैं, खुद फ़ोन कर तो खुद जरिए लेते हो, फिर बोलते हो कि फ़ोन मत करना।